हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कार DIY। आज हमारे पास है एयर प्रो का माइकमैन कार एयर फ्रेशनर। इस कार एयर फ्रेशनर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये माइकमैन कार एयर फ्रेशनर की इंस्टॉलेशन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे आप कैसे खुद से ही घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको अपनी कार में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे माइकमैन का हमारे पास जो फ्रेग्रेंस है वो है ओशन एस्केप। तो इसको पहले कर लेते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स करने के लिए आपको यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है कि माइकमैन को डायरेक्टली पकड़ के नहीं खींचना है, आपको इसको निकालने के लिए इसको पकड़ के ऊपर की तरफ निकालना है। इसको रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास है माइकमैन, जो कि एक स्क्रू से नीचे यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको ओपन कर लेंगे। ये स्क्रू निकलने के बाद हमारे पास यहाँ पे माइकमैन आ गया, इसको रख देते हैं अभी यहाँ पे। इसके अलावा बॉक्स में हमें मिलती है एक रिफिल, एक फ्रेग्रेंस ऑयल रिफिल, इसको भी अभी साइड में रखते हैं। इसके अलावा ये है रिफिल, जिसको ओपन करके हमें माइकमैन के अंदर लगाना है। इसके अलावा मिलता है ये ओपनिंग टूल, इसकी हेल्प से हमें माइकमैन को ओपन करना है रिफिल डालने के लिए। इसके अलावा मिलती है एक डबल टेप, जिसकी हेल्प से हम इसे अपनी गाड़ी में लगाएंगे। और यहाँ पर मिलती है एक छोटी सी लिटरेचर, जिसमें दिया गया है कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी गाड़ी में। तो ये थी इसकी लिटरेचर। इसको बॉक्स को भी रख देते हैं साइड में। तो बॉक्स के अंदर हमें ये सब कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले माइक को हमें ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए हमें ये टूल चाहिए, यहाँ पर आपको ये लगाना है और इस तरीके से इसको खोलना है। तो जैसे ही आप इसको खोल देंगे तो इसमें हमें स्पेस मिल जाता है, इस स्पेस के अंदर हमें रिफिल डालनी है। तो रिफिल ओपन कर लेते हैं एक बार, इसको साइड में रख के। ये रिफिल है, रिफिल आपको इस तरीके से ओपन करनी है यहाँ से। तो यहाँ पे हमने रिफिल निकाल ली, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर की शेप में फिट होने वाली ये शेप है इसकी रिफिल की। तो इसको हम डायरेक्टली इसके अंदर लगा देंगे। तो ये रिफिल आ गई है हमारे पास, इस रिफिल को हम इस तरीके से लगाएंगे इसके अंदर। ये देखिए आप बिल्कुल इसमें फिट हो जा रही है। अब ऊपर वाला पार्ट लगा देंगे, ये बंद हो गई है। अब इसके अंदर रिफिल चली गई है और खुशबू आनी शुरू हो गई है गाड़ी के अंदर। इस वीडियो में हम इसको इंस्टॉल तो करेंगे ही, साथ ही देखेंगे कि इसकी लाइफ कितनी है परफ्यूम की, कितने दिन तक ये परफ्यूम चलता है। ऑल्दो जो परफ्यूम की लाइफ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर भी, हॉट वेदर में कम दिन चलता है, कोल्ड वेदर में ज़्यादा दिन चल पाता है। ऑल्दो अभी जनवरी चल रहा है तो कोल्ड वेदर है, पर देखते हैं कितने दिन इसकी लाइफ है। और जब इसकी फ्रेग्रेंस कम हो जाएगी तो हम ये जो एयर प्रो का फ्रेग्रेंस ऑयल इसके साथ आता है उसको खोल के वापस इसको उस पर हम डाल देंगे, तो वापस से इसकी फ्रेग्रेंस न्यू जैसी हो जाएगी। तो इसको हम खोल के इसके अंदर वो जो रिफिल थी उस पर ये डाल दें और ये एज गुड एज न्यू हो जाएगा। तो रिफिल हमने फिट कर दी है, अब नीचे हमें एक डबल टेप लगानी है। डबल टेप लगाने के बाद हम इसको अपनी गाड़ी में लगा देंगे और बस इतना ही है इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। तो चलिए अब डबल टेप लगा लेते हैं और देखते हैं इसको कहाँ प्लेस करना है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ प्लेस कर दिया जाए, बेस्ट लोकेशन यही है। और ये इस तरीके से हिलता भी है, वॉबल करता है। तो ये डबल टेप की मैंने फर्स्ट साइड हटा दी है और इसको मैंने इस साइड ऐसे लगा दिया। अब नीचे वाली साइड भी हटा देंगे, ये हटा दिया और इसको सिर्फ प्लेस करना है अब। और मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ,
आप देख सकते हैं अब ये कहीं भी नहीं हिल रहा है और ये अब ऐसे वॉबल करेगा। तो आपने देखा बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस था, कुछ भी नहीं था। अभी इसको मैं थोड़े दिन यूज़ करूँगा और यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू दूंगा इसके कि एक्चुअल लाइफ में कैसा प्रोडक्ट है और कितने दिन ये फ्रेग्रेंस चलती है इसकी। और उसके बाद जब हम रिफ़िल डालेंगे इसमें वापस से, मैं तब भी एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि अब हम इसमें रिफ़िल डाल रहे हैं, इसको रिफ़िल कर रहे हैं इसकी फ्रेग्रेंस को, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने दिन चल रहा है ये फ्रेग्रेंस। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कीजिए हमारे चैनल कार डीआईवाई को सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए। थैंक यू।